नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए 199 खाली पदों पर भर्ती लेकर आए हैं। तो इन्होंने पोस्ट का नाम यहाँ दिया है ऑफिसर ग्रेड बी। तो इन्होंने RBI द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1A/2019-20 के तहत ये वैकेंसी निकाली है। तो इनकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ दिया है, जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए ₹850 फीस रहेगी, SC ST PWBD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ₹100 फीस रहेगी, और RBI के जो स्टाफ हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और पेमेंट मोड जो आपका वो ऑनलाइन रहेगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट आदि के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और जो इन्होंने यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स जो दी हैं वो 21/9/2019 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 11/10/2019 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में इन्होंने यहाँ दिया है कि आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, यानी 21 से 30 साल के बीच में यदि आपकी एज है तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए योग्य हैं। तो और जो ये आपकी एज जो काउंट की जाएगी वो 1/9/2019 के अनुसार काउंट की जाएगी। और जो एज में रिलैक्सेशन की यहाँ बात करते हैं तो SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए जो RBI के नियम होंगे उनके अनुसार छूट दे दी जाएगी। क्वालिफिकेशन के बारे में 10वीं 12वीं, बैचलर डिग्री, PGDM, MBA, मास्टर डिग्री, इन्होंने यह क्वालिफिकेशन रखी है। और जो पोस्ट का नाम इन्होंने यहाँ दिया है ऑफिसर ग्रेड बी, इसके लिए 199 जो यह इन्होंने भर्ती दी है। तो एक बार पोस्ट और कैटेगरी वाइज जो भर्ती इन्होंने पोस्टें अलग अलग दी हैं उसके बारे में एक बार मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। पोस्ट जो है वो 1 नंबर पे इन्होंने ऑफिसर्स ग्रेड बी जो जनरल हैं उनके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 65 पद हैं, SC के लिए 25, ST के लिए 11, OBC के लिए 40, EWS के लिए 15, इस प्रकार 156 कुल पद हैं। और ऑफिसर्स जो ग्रेड बी DEPR उनके लिए अनरिजर्व के लिए 9, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2, इस प्रकार टोटल 20 पद हैं। और जो नंबर 3 में ऑफिसर्स ग्रेड बी DSIM उनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 पद, SC के लिए 2, ST के लिए 4, OBC के लिए 4, EWS के लिए 2, इस प्रकार टोटल 23 हैं। तो यदि इन सभी पदों को क्रम अनुसार गिने तो 199 खाली पदों पर ये भर्ती आपकी आई है। तो इनका जो पेमेंट का या फॉर्म फिल करने का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, या इन्होंने अपनी वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इन्होंने वो दी है, वो आप नोट कर लें, www.rbi.org.in, इसी से आपको सारी जानकारी इसी वेबसाइट पर आपको मिलेगी और इसी वेबसाइट पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी और जो इनकी जो PDF है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप अपना सारी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।